Johar and welcome to my YouTube channel. So friends, today we talk about section और section breaks in MS Word. ठीक है, बहुत ही important topic है MS Word में. अगर आपने इस topic को सीख लिया तो आप एक कदम दूसरे से जो है आगे हो जाओगे. ओके तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को सीखने के लिए वो भी ऐसे है कि हमेशा दिमाग में बैठ जाए. इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना होगा. ठीक है, यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन इन योर सेल्फ दैट. ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से. तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, एक पेज, ये जो पेज है ठीक है, पेज में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं. डिज़ाइन पे जाते हैं, ठीक है, वाटरमार्क ऐड कर देते हैं. ओके, अब पेज बॉर्डर ऐड कर देते हैं. ठीक है, पेज वाटरमार्क ऐड कर दिया और पेज बॉर्डर ऐड कर दिया. ओके, आपको याद रखना है कि जो 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 फॉर्मेटिंग किया है ये पहले पेज पे किया है. ठीक है, नाउ ऐड सेकंड पेज. ठीक है, आप सेकंड पेज ऐड करते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर. ठीक है, सेकंड पेज में भी स्टाइलिंग आ गया अपने आप से. ठीक है, बॉर्डर भी आ गया और वाटरमार्क भी आ गया. ठीक है, नाउ कंट्रोल प्लस इंटर अगेन. ये थर्ड पेज, ठीक है, थर्ड पेज में भी सेम फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई हो गया. ठीक है, तो आपको अपने आप से यही क्वेश्चन पूछना है कि ऐसा हो क्यों रहा है. ठीक है, अब जो हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है वो पहले पेज में अप्लाई किया है. ठीक है, बाकी सारे पेजेस पे फॉर्मेटिंग, सेम फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई हो रहा है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है. ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको ढूंढना है. ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो है सेक्शन. ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूरे डॉक्यूमेंट पे जो है सेक्शन अप्लाई हुआ है. ठीक है, इस पूरे डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, जितने पेजेस हैं इन सारे पेजेस पे और जो होल डॉक्यूमेंट पे जो है सेक्शन जो है अप्लाइड है. ठीक है, वो सेक्शन आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा देखने को, ये स्टेटस बार है, इस पर राइट क्लिक करना है आपको. ठीक है, और ये आता है सेक्शन. ओके, सेक्शन वन. ठीक है, ये सारे पेजेस के लिए एक सेक्शन जो है अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, ये सारे पेजेस जो है एक सेक्शन के अंदर इंसर्ट है. ठीक है, तो सेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, सेक्शन इज अ पेज फॉर्मेटिंग कंटेनर और डॉक्यूमेंट फीचर वन सेक्शन. ठीक है, तो सेक्शन है क्या, एक पॉज, ठीक है, सॉरी पॉज कह रहा हूँ, एक पेज फॉर्मेटिंग कंटेनर है. ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है एक ही सेक्शन के अंदर है. ठीक है, ये जितने पेजेस हैं ना ये एक ही सेक्शन को रिफर कर रहे हैं. ओके, दैट्स वाई दिस इज हैपनिंग. इस वजह से यू हो, मतलब जो हम फॉर्मेटिंग जो अप्लाई कर रहे हैं एक पेज में, वो सारे पेज पे इसी वजह से आ रहा है. ठीक है, ये है मैजिक सेक्शन का. ओके, एक डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा सेक्शन हो सकते हैं. ठीक है, और हर सेक्शन का अलग अलग फॉर्मेटिंग भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अ डॉक्यूमेंट हाउएवर कैन हैव मल्टीपल सेक्शन एंड ईच सेक्शन कैन सपोर्ट इट्स ओन पेज फॉर्मेट. ठीक है, एक डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा सेक्शन हो सकते हैं. ठीक है, और एक सेक्शन में अलग अलग, ठीक है, हर सेक्शन को आप अलग अलग तरह से फॉर्मेट कर सकते हो. ठीक है, वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं. तो फ्रेंड्स, सेक्शन को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं. ठीक है, एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं. ठीक है, रैंडम फंक्शन, चार पैराग्राफ, पांच लाइन. ठीक है, तो एक पैराग्राफ जनरेट हो गया. ठीक है, इसको पहले पेज पर ऐड कर देते हैं. ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है, सेक्शन को अप्लाई करना. ठीक है, कि पैराग्राफ, ये पैराग्राफ टाइप कर दिया. ठीक है, पहला तो डेफिनेशन है ये. ठीक है, दिस इज द पैराग्राफ टू अप्लाई सेक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको सेक्शन अप्लाई करना है. ठीक है, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो ऊपर का दो पैराग्राफ है ये डिफरेंट सेक्शन में हो और उसके नीचे वाले जो पार्ट हैं वो डिफरेंट सेक्शन में हो, तो मैं क्या करूँगा, कर्सर को यहाँ पे जाऊँगा स्टार्टिंग में. मैं कर्सर को स्टार्टिंग में ले जाऊँगा. ठीक है, लेआउट टैब में जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे, ये ब्रेक्स ऑप्शन में. ठीक है, और ये जो नीचे वाला सेक्शन ब्रेक लिखा हुआ, ठीक है, ये चार ऑप्शन है, आपको इससे मतलब है. ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन क्या कहता है, नेक्स्ट पेज. ठीक है, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज. ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका एक नया सेक्शन जो है क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो पहला डॉक्यूमेंट है और ये टेक्स्ट है, ये एक डॉक्यूमेंट है. ठीक है, ये एक सेक्शन है और दूसरा वाला जो है दूसरा सेक्शन है. ठीक है, आपको पता करना है कि सेक्शन अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है. देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ दिख रहा है पहला सेक्शन. ठीक है, जब यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको दिख रहा है दूसरा सेक्शन.
है, दो सेक्शन अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। आपको देखना, आपको पता करना है, आप कहाँ जाओ, व्यू पे जाओ, ठीक है, ड्राफ्ट में, ठीक है। देखो आपको दिख गया ना, ये जो डबल डैश है ये दिखाता है सेक्शन ब्रेक, ठीक है, सेक्शन ब्रेक दिखाता है ना, ये डबल डैश क्या दिखाता है, सेक्शन ब्रेक, ओके। यहाँ से सेक्शन ब्रेक है, यहाँ ऊपर वाला एक सेक्शन है और नीचे वाला सेक्शन है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ दिखा रहा है सेक्शन टू, जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो सेक्शन वन दिखाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने दो सेक्शन क्रिएट कर लिया। होम पे जाते हैं, ओके, नाउ क्या करते हैं, अब एक और सेक्शन आपको क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से क्लिक करो टू से, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, आप दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं पहले, तो दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस नेक्स्ट पेज हमने कर दिया, नेक्स्ट पेज, ठीक है, सेक्शन इंसर्ट हो गया नए पेज से। अब लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूस इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, ठीक है। कॉन्टिन्यूस क्या कहता है, दूसरा जो सेक्शन स्टार्ट होगा वो सेम पेज से स्टार्ट होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस का मतलब यही है, कॉन्टिन्यूस क्या कह रहा है, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। अगर आपको नया सेक्शन स्टार्ट करना है सेम पेज में, जैसे इसी पेज में आपको एक और सेक्शन चाहिए, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जैसे करके देख सकते हैं, या मैं कर्सर को यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में रखा है और इस पर क्लिक किया कॉन्टिन्यूस पे, ओके। तो आपको दिख रहा है थ्री सेक्शन आ गए हैं, देखो तीन सेक्शन दिखाई दे रहा है, थ्री ये दिखाई दे रहा है, फिर आप पहले पर जाओगे तो आप दूसरा दिखाई देगा, दूसरा सेक्शन, ठीक है। आपको देखना है सेक्शन अप्लाई हुआ है कि नहीं, आप इस पर क्लिक करो शो एंड हाइड कंट्रोल पे होम पे, तो आपको दिख जाएगा सेक्शन ब्रेक, यहाँ पे दिख रहा है आपको सेक्शन ब्रेक, एक यहाँ है, एक सेक्शन ब्रेक यहाँ पे है, ओके, सेक्शन ब्रेक। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप सेक्शन को अप्लाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग करते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास दो पेज हैं, आपको दिख रहा होगा एक पेज ये है और एक पेज ये है सेकंड पेज, ठीक है। हमारे पास दो पेज हैं, ठीक है, और दोनों का ओरिएंटेशन क्या है, दोनों का ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट, दोनों पेज जो है पोर्ट्रेट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेकंड पेज जो है लैंडस्केप हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपको सेकंड पेज पर जाना है, ओके, आपको जाना है कहाँ पे, पेज सेटअप में, ये आपको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो है ओपन करना है, ठीक है। और आपको जाना है पेपर पे, पेपर पे जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पेपर में, पेपर में ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मार्जिन पे जाना है आपको, मार्जिन पे, ठीक है, मार्जिन पे आना है आपको, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि दूसरा पेज जो है लैंडस्केप हो जाए, पहला पोर्ट्रेट रहे, दूसरा जो है लैंडस्केप हो जाए, ठीक है। तो दूसरा मैं लैंडस्केप सेट करूँगा, और मैं ये जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, प्रीव्यू जो दिख रहा है प्रीव्यू, और उस पर आपको दिख रहा है अप्लाई टू, ठीक है। अप्लाई टू में आपको ध्यान रखना है, ये दिखा हुआ दिस सेक्शन द पॉइंट, सॉरी दिस पॉइंट फॉरवर्ड एंड होल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये दिस सेक्शन जो है ये सिलेक्ट रहे, ठीक है। अब जैसे ओके करोगे, सेकंड डॉक्यूमेंट जो सेकंड आपका पेज है वो पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, हो गया ना, सेकंड पेज जो है आपका किस में कन्वर्ट हो गया, पोर्ट्रेट पेज कितने हो गए, अब तीन हो गए, एक दो और तीन, ओके। जो दूसरा पेज है आपका क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा, सॉरी लैंडस्केप हो गया। तो इस तरह से इस तो सिम यदि आप और भी फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट सेक्शन में, बस आपको एक बात ये रखना है कि जो पेज सेटअप है, जितना भी एरिया जो है पेज सेटअप वाला है, ठीक है ना, जितने भी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के अंदर जितने भी टैब्स हैं, ठीक है, ये सारे चीज़ें जो है आपका जो है पेज फॉर्मेटिंग है, ठीक है। पेज फॉर्मेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अलग होता है, पेज फॉर्मेटिंग अलग होता है, ठीक है। तो जितने भी पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं वो सारे आप सेक्शन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो सेक्शन होता है वो अफेक्ट करता है सिर्फ पेज लेवल फॉर्मेटिंग को, ठीक है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को अप्लाई नहीं अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अगर चाहो तो उसको फिर से पोर्ट्रेट कर लो, ठीक है, सेकंड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है, पोर्ट्रेट पे क्लिक किया, रिव्यू कैंसिल, पहले तो पहले डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर दो, पहले आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, पोर्ट्रेट, दिस सेक्शन, ओके, नाउ बैक टू नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी पेज फॉर्मेटिंग सीन्स हैं आप उसको अपने यू नो पेज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन से रिलेटेड और भी चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे एफर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।